दोस्तों, ये तो डबल गच्चा खेल गए हम लोगों के साथ भाई। स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि झुकेगा नहीं भाई अल्लू अर्जुन अपनी आने वाली फिल्म भाई पुष्पा के पार्ट टू को लेकर। तो भाई क्या है ये डबल गच्चा, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आप लोगों से ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई जिस तरह से 15 अगस्त पर बॉलीवुड की कई सारी फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज हो रही हैं और भाई इस डेट पर साउथ की भी कई सारी फिल्में अपनी किस्मत आजमाने आ रही हैं बॉक्स ऑफिस पर, तो शायद ही अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म, जो कि भैया इस साल की मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में नंबर वन के पोजीशन पर है, वो फिल्म रिलीज हो। लेकिन भाई हम सभी की बातों को धत्ता बताते हुए कल भैया इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के द्वारा एक वीडियो जारी करके ये बात सबको बताने की कोशिश की गई कि भाई देखिए, पुष्पा के पार्ट टू को लेकर जो खबरें इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही है कि इस फिल्म का रिलीज डेट बदलने वाला है, ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। तो भाई ये सारी बातें रूमर्स हैं, ये फिल्म 15 अगस्त को ही सिनेमा घरों में रिलीज होंगे। लेकिन भाई देखिए, कल से लेके अभी रात हुई नहीं कि भाई 24 घंटों में ही जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए और नया कुछ सौंप दिया गया ऑडियंस को ये कहते हुए कि अप्रैल फूल बनाया, गर्मी में गुस्सा आया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भाई जून के महीने में मैं अप्रैल की बात करूं, तो भैया अगर ऐसा गेम खेलेंगे ऑडियंस से अल्लू अर्जुन, तो भाई हम लोग तो यही बात कहेंगे ना कि भाई कल तक तो आप बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि आपकी ये फिल्म 15 अगस्त को ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी और बॉलीवुड के सभी फिल्मों को चुनौती देती हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर जबरदस्त मुकाबला करेंगी। तो भाई सब बातें हवा हवाई हो गई और फाइनली आज एक नया पोस्टर जारी करके पुष्पा के पार्ट टू को लेकर ये बात क्लियर कर दी गई कि भाई ये फिल्म अब 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी और इस फिल्म के वजह से सिंघम, जो कि दीपावली पर चली गई है, वो भी ये बात सोच रही होगी कि अगर मैंने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया होता तो ये रिलीज डेट मेरे हाथों में रहता, हमें दीपावली पर अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करना पड़ता। यानी कि भाई सिंघम भागी किसके वजह से, तो पुष्पा के पार्ट टू की वजह से। और अब पुष्पा का पार्ट टू जो है वो दीपावली पर भी नहीं आकर अब जा रही है कहाँ, तो भाई 6 दिसंबर को ये फिल्म इस साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर पुष्पा भाऊ को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखिए, ऐसा है कि आप हमारे लिए इस साल तुरुप का पत्ता है और हम इस तुरुप के पत्ते को यूं ही चिल्लर में खर्च नहीं करना चाहते हैं। यानी कि भाई देखिए, हमें भी बॉलीवुड के मेकरों के साथ बिजनेस करना होगा, बॉलीवुड के फिल्मों के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। अगर आप बॉलीवुड के फिल्मों के साथ टकराओगे और वो भी तीन तीन फिल्मों के साथ, तो हमें स्क्रीन काउंट जो है वो सब में बांटना पड़ेगा और जिसका नुकसान आपको भी होगा और हमारी कमाई पर भी नुकसान पड़ेगा। यानी कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा समझाए जाने के बाद खबरें निकल के आ रही है कि अल्लू अर्जुन की टीम, जो कल तक भाई ये बात कह रही थी कि नहीं हम अपना रिलीज डेट नहीं बदलेंगे, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि भाई कल जो इन्होंने बम फोड़ा था कि भाई अल्लू अर्जुन की ये फिल्म सिनेमाघरों में 15 अगस्त को ही आएगी, तो उस बम का असर बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों के ऊपर नहीं हुआ, ये टस से मस नहीं हुए। इन लोगों ने ये बात क्लियर कर दी कि ठीक है, तुम भी आओ हम भी आए, भैया सब एक दूसरे का बिजनेस खराब करें एक साथ। तो भाई ये बात समझ में आ गई पुष्पा की टीम को और पुष्पा की टीम ने फिल्म का रिलीज डेट बदल दिया। अब दोपहर तक मैं ये बात आप लोगों से कह रहा था कि भैया ये फिल्म 15 अगस्त को ही आएगी और देखिए रात को मेरे भी जज्बात बदल गए। अभी ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है केवल इसी वजह से क्योंकि पुष्पा का रिलीज डेट बदल गया है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।